Hello guys, once again you all are welcome to my channel IITian Explains. तो बेसिकली आज आप क्या सीखने जा रहे हो, आज आप सीखने जा रहे हो हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स के पार्ट टू को. यस, पार्ट टू को आप सीखने जा रहे हो. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस पार्ट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे, उनके सॉल्यूशन डिस्कस किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स बनाए जाएंगे. मेरा ऐसा मानना है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट में आराम से एक्सपर्ट बन सकते हो और एज ए टीचर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाना भी बहुत आसान होता है, लेकिन उस थ्योरी का क्या फायदा जिस थ्योरी को पढ़ के आप प्रॉब्लम ही ना कर पाओ. तो मैं आज कोशिश करूंगा कि अगर आपने पार्ट वन को देखा है, आप में से जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं इस पार्ट टू को, अगर उन्होंने पार्ट वन को देखा है तो फिर ठीक है, अगर उन्होंने पार्ट वन को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप अभी नहीं देखें, आप पहले पार्ट वन वाले वीडियो को देख लें, देन आफ्टर आप पार्ट टू इस वीडियो पे आए तो आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आएंगे. ठीक है, यस. तो बेसिकली आज आप क्या सीखने जा रहे हो, जल्दी से एक बार कंटेंट को मैं समराइज कर दे रहा हूँ. आज का हमारा कंटेंट होगा डिफरेंट मेटल्स के हीटिंग, डिफरेंट मेटल्स को हीट करने पे वो कैसा कलर देंगे. यस, कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको आप हीट करोगे तो वो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, या कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको आप हीट करोगे तो वो ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस करेगी, या कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा बट डिकम्पोज नहीं होगा, कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो जब वो जब आप उसको हीट करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मान लो वाइट चला जाता है, और जब उसको कूल करोगे तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा या ब्लू कलर में आ जाएगा. डिफरेंट कलर ट्रांसफॉर्मेशन को आप देखोगे. फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस, लाइक कौन सी ऐसी गैस होती है जो कि मिल्की वाटर में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होती है और उसकी में वाइट टर्बिडिटी ला देती है परमानेंटली और टेम्पररी. कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी गैस है जो पाइरोगैलोलॉल में एब्जॉर्ब होती है, कौन सी ऐसी गैस है जो वाटर में हाईली सॉल्यूब है, कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन में सॉल्यूब होती है, ओजोन मर्क्यूरी में कैसे डिसॉल्व होगा, इन सारी चीजों को आप सीखने जा रहे हो आज के टॉपिक में. तो स्टार्ट करें इस वीडियो को. चलिए लास्ट में फिर से वही बात मैं बोलना चाहूंगा, आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो से निकल के आएगी आप उसको साथ साथ नोट कर लेंगे, और आप अपने माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बैठिए, जितनी भी बात इस वीडियो में आपको बताई जाए आप उन सारी चीजों को सीख सके, ताकि आपके जेई और नीट और एम्स बिटसेट के प्रॉब्लम हो सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास मेटल्स हीटिंग आते हैं. क्या आता है हमारे पास, मेटल्स हीटिंग. मेटल्स हीटिंग, देखो मेटल्स में अगर आप सोडियम मेटल को हीट करोगे तो ये आएगा गोल्डन येलो, अगर आप पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम को हीट करोगे तो ये देगा वायलेट, अगर आप कैल्शियम को हीट करोगे तो ये देगा ब्रिक रेड, और अगर आप बेरियम को हीट करोगे तो ये देगा एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन. ठीक है, एप्पल ग्रीन देगा, और अगर आप लिथियम और स्ट्रॉन्शियम को हीट करोगे तो ये क्रिम्सन रेड देगा, क्रिम्सन रेड कलर देगा. तो ये कुछ मेटल्स के हीटिंग के कलर्स थे. तो आप सोच रहे होगे कि सर इनको याद कैसे रखा जाए. अब इनके दूसरे भी क्या यूजेस हो सकते हैं, आप डिफरेंट पैसेज देखोगे, उन पैसेज में आपको बोला जाएगा कि एक मेटल है लाइक उसके सॉल्ट्स को हीट किया गया तो गोल्डन येलो कलर आ रहा है या वॉयलेट कलर आ रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें मेटल कौन सा है, कैटायोनिक पार्ट कौन सा है. इसके लिए मैं आज आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं. आप थोड़ी देर के लिए एक सीन सोचो, वो सीन क्या है, वहां पे कुछ मेटल्स हैं. कौन कौन से मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम और स्ट्रॉन्शियम, आपके पास ये मेटल्स हैं. अब आप सीन ऐसा सोचो कि ये सारे मेटल्स एक साथ हैं, ये आपके फ्रेंड्स ही हैं, मान लो ये सारे के सारे मेटल्स आपके फ्रेंड्स हैं. तो सोडियम एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग आ रहा है, कौन सा, सोडियम सोना सोना मतलब सोडियम गोल्डन येलो कलर का, ठीक है, तो सोडियम सोना सोना, ठीक है, ऐसे सॉन्ग्स होते ना. हाँ, सोच लो. अब आप क्या करोगे, अब आता है पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम. अब मान लो ये तीन बंदे हैं जो वायलेट कलर के ड्रेस में हैं, ठीक है, ये तीन बंदे पोटेशियम,
आपका रुबिडियम और सीसीएम ये वॉयलेट ड्रेस में है, ठीक है, और सोडियम गाना गा रहा है, सोडियम सोना सोना। तो अभी सडनली क्या हुई कि उधर से कैल्शियम आया, उसने रेड कलर की ब्रिक उठाई और क्या किया, बेरियम के एप्पल ग्रीन पे दे मारा, और तभी वहां पे लिथियम और स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड क्रिम्सन रेड क्रिम्सन रेड चिल्लाने लगे। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? अब ऐसे इसको प्रैक्टिकली मत सोच लेना, ऐसा नहीं कि घर गए और यो ब्रिक उठाई और यो बेरियम पे मार दिया, पागल समझ लेंगे लोग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ट्रिक है, एक सीन है जहां पे सोडियम एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग गा रहा है, सोडियम सोना सोना, सोडियम इज गोल्डन येलो, पोटेशियम रुबिडियम और सीसियम ये वॉयलेट कलर में थे, एक ही फैमिली के, याद रखना, पोटेशियम रुबिडियम और सीसियम वो वॉयलेट कलर के ड्रेस में ऐसे बैठे हुए हैं। और तभी उधर से एक बदमाश आता है, वो बदमाश कौन है, कैल्शियम। उसने क्या की, आपने ब्रिक को देखा होगा, ईंट को देखा होगा, वो रेड कलर की होती है, उसने वो ब्रिक उठाई, रेड कलर की ब्रिक उठाई और क्या किया, बेरियम के पास ग्रीन एप्पल था उस पे दे मारा। और तभी वहां पे जो बैठे हुए थे, कौन कौन बैठे हुए थे, और लिथियम और स्ट्रॉन्सियम, ये दोनों चिल्लाने लगे क्रिम्सन रेड क्रिम्सन रेड क्रिम्सन रेड। तो हो गया ना यार, चार बार इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप आपस में बात करो या आप आईज को क्लोज करके सोचो कि सोडियम सोना सोना, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वायलेट कलर, कैल्शियम ब्रिक रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन और लिथियम स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड। ट्रस्ट मी, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये कलर्स याद नहीं होंगे, अगर आपको ये सारे कलर्स पता नहीं होंगे, आप कभी भी पैसेज टाइप के प्रॉब्लम को नहीं कर पाओगे। याद हो गया, सोडियम सोना सोना, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वॉयलेट कलर, कैल्शियम ब्रिक रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन और लिथियम एंड स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड। डन डन, यस। अब इनके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, इनको आप कैसे याद करोगे, देखो Cr3 प्लस क्रोमियम आयन और Fe2 प्लस, इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर होता है ग्रीन। Cu2 प्लस आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका कलर होता है ब्लू। Mn2 प्लस इसका कलर होता है पिंक। और Fe3 प्लस फेरिक आयन, इसका कलर होता है क्या, इसका कलर होता है ब्राउन। अब आप सोच रहे होगे, सर इसका भी कोई ट्रिक बता दो। यस, मैं देख पा रहा हूं आप लोग यही सोच रहे हो, सर इसका ट्रिक बता दो। देखो ट्रिक क्या है, आपने क्रो देखा ना, कौआ, क्रो, यस, देखा है ना कैसा होता है, कैसा होता है, ब्लैक। अरे नहीं बाबा, हमारे केमिस्ट्री में क्रो ग्रीन होता है, ब्लैक नहीं होता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ग्रीन क्रो फंसा, ग्रीन कलर का क्रो है वो फंस गया, कहां फंसा, ब्लू कप में, एक ब्लू कप में ग्रीन कलर का क्रो फंस गया। तो ग्रीन मतलब क्रो, मतलब क्रोमियम आयन, फंसा मतलब Fe2 प्लस आयन, और ब्लू कप, कप मतलब कॉपर। तो ग्रीन ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये देख के आपका मन पिंक हो गया, मन पिंक, पिंक मन गाए, आपका पिंक मन गाए क्या, फेरिक ब्राउन, फेरिक ब्राउन। समझ में आई बात? देखो कई लोगों में जिनको बहुत ऑड लग रहा होगा, सर इनको कैसे याद किया जाए, अरे ट्रस्ट मी, जब मैं 12th में था, जब मैं 11th में था, मैं भी सोचा करता था ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स, और मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं और मैंने उनको क्रैक किया है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इन चीजों को किसी चीज से रिलेट कर दो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से, ठीक है। हंसना बंद करो, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन गाए, फेरिक ब्राउन, फेरिक ब्राउन, फेरिक ब्राउन, हो गया। फिर से सुनो, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन गाए, फेरिक ब्राउन, फेरिक ब्राउन, फेरिक ब्राउन, हो गया। इतने मेटल्स और कलर को अगर आप याद रखो, मैं इस बात की आज गारंटी लेता हूं आपको जेई के और मेडिकल के सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसमें मैंने क्या ट्रिक बताई, सोडियम सोना सोना, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वॉयलेट,
कैल्शियम की ब्रिक रेड उठाई, रेड ब्रिक उठाई, बेरियम के एप्पल ग्रीन पे दे मारा और कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम क्रिमशन रेड चिल्लाने लगे। इसमें क्या हुआ, आपका ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन गाए फेरिक ब्राउन। चलो इतनी सारी ट्रिक्स तो आपको सिखा दी। आप दो चार बार अपने फ्रेंड से बात करो, कॉल करो, हेलो सूरज, हेलो मनोज, एनीथिंग कॉल करो, किसी को भी कॉल करो, बताओ तो क्या था। अच्छा, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन गए, है ना, फेरिक ब्राउन तो आसान है। यस, बस एक बात आप याद रखेंगे कि फेरिक में एक सिंगल FeCl3 ऐसा होता है जिसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। बस आप इस एक चीज को याद रखेंगे, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपको ये कलर्स समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम नेक्स्ट जान लें कि वो कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको आप हीट करोगे तो वो डिसोसिएट जल्दी से नहीं होंगे और वो मेल्ट हो जाएंगे, और वो सॉल्ट्स आपके कौन है, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट और सल्फेट। तो सॉल्ट्स मेल्ट ऑन हीटिंग, सॉल्ट्स मेल्ट ऑन हीटिंग, वैसे सॉल्ट्स जो हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो बेसिकली फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी आपके कार्बोनेट्स होंगे और सल्फेट्स होंगे वो क्या करेंगे, हीट करने पे मेल्ट हो जाएंगे, ये जल्दी डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो अगर आपको पैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ हो कि एक सॉल्ट है जो हीट करने पे, अगर आप उसको टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हो तो वो गोल्डन येलो कलर दे रहा है, तो आपके दिमाग में पता चल गया, अच्छा गोल्डन येलो कलर तो सोडियम का सॉल्ट है। फिर आपको उन्होंने ये पैसेज में लिख दिया, इट डज नॉट डिसोसिएट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग, तो समझ जाइए इनमें से बात की जा रही है सोडियम कार्बोनेट की। बात समझ में आ गई, तो ये वैसे सॉल्ट्स हैं जो हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं। इनके अलावा कौन से हैं, देखो Ag, HG और PB, इनके क्लोराइड्स, इनके क्या, इनके क्लोराइड्स मतलब AgCl, HgCl2 या Hg2Cl2, PbCl2, ये जो आपके क्लोराइड्स हैं इनको अगर आप हीट करोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, आप इसको ऐसे समझ जाओ जैसे क्या होता है हमारे फैमिलीज में, वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे बोलती है, एजी सुनिए, एजी आइए, वैसे मान लो एजी, एचजी, पीबी पिघल गए, है ना, याद हो गया, एजी, एचजी और पीबी पिघल गए। यस, एजी, एचजी, पीबी के क्लोराइड पिघल गए, दैट्स ऑल। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गया, मेटल्स और ये डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और याद रखिएगा जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पैसेज बना देगा, एम्स में सारे पैसेज बन जाएंगे, IIT JEE एडवांस में और मेंस में सारे पैसेज बन जाएंगे। चलिए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आप खुद सोच के देखो वो कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं, आपको दिया रहेगा कि सॉल्ट विच ऑन हीटिंग गिव्स अ वायलेट कलर एंड क्रैकिंग साउंड। कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको हीट करने पे क्रैकिंग साउंड आती है, क्रैकिंग साउंड का मतलब अगर आप उसको हीट करोगे तो वो क्रैक करेंगे, चटर पटर की आवाज आएगी, कटर कटर लगे, कुछ टूट रहा है। कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं, यस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट। ये वो सॉल्ट्स हैं जो प्रोड्यूसेस क्रैकिंग साउंड ऑन हीटिंग। ये हीट करने पे क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। आज घर में जाना, देखना जब मम्मी नहीं हो तो वो रोटी बनाने के लिए जो पैन होती है, तवा होता है, उस पर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना जो हम घर में यूज करते हैं, देखना फिर क्या होता है, चारों तरफ सॉल्ट बिखर जाएंगे और वो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी। हम उसी क्रैकिंग साउंड की बात कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है,
बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जिनको हीट करने पे क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, वो आपके हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट। तो ये क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बात समझ में आ रही है? चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब आ जाए कि सॉल्ट का कलर भी चेंज होता है हीट करने पे और कूलिंग डाउन करने पे। जैसे मान लो हमारे पास Zn2+ है, अगर आप Zn2+ के सॉल्ट को हीट कर दोगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो, इसका कलर हो जाएगा येलो। और अगर Zn2+ को कूल कर दोगे, ठंडा कर दोगे इसको, तो इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है जिंक 3D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है पर ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो नॉर्मली इसके कलर का सॉल्ट व्हाइट होता है। आप इसको हीट करेंगे तो ये येलो हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है Cu2+। Cu2+ को अगर आप हीट करोगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, व्हाइट या नो कलर, कोई भी कलर वाला सॉल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको ठंडा कर दोगे, कूल कर दोगे, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, यस। फिर हमारे पास आता है पीबी, एसएन और बीआई, लेड, टिन और बिस्मथ। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये हो जाएंगे येलो, और अगर आप इसको कूल करोगे, ठंडा कर दोगे, तो ये हो जाएंगे ब्राउन। देखो ये दो तो आपको याद हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे याद रख लो लाइक प्रभु सुने बिंदास। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्रभु सुने बिंदास। चलो हो गया, तो याद रखने से मतलब काम बनना चाहिए, जेई के प्रॉब्लम होने चाहिए, ये आपके बीच में बात रहेगी। जब आप जेई निकाल दोगे कोई आपसे ये पूछने नहीं जा रहा आपने कैसे याद रखा था, तो बस मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। प्रभु सुने बिंदास, अगर इन मेटल्स के सॉल्ट को हीट करोगे तो ये येलो हो जाएंगे, और अगर ठंडा करोगे तो ब्राउन हो जाएंगे। और लास्ट एक और है Cd2+, कैडमियम के सॉल्ट, अगर आप इनको हीट करोगे तो ये हो जाएंगे रेड, और अगर आप इनको कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो ये हो जाएंगे ब्राउन। देखो एक जैसे पैटर्न है, इन दोनों के ब्राउन होते हैं, रेड होता है, इनके इनके येलो होते हैं। तो अगर आप इसको 4 to 5 times अगर लिख लोगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे अगर आपको पैसेज चाहिए, 3-4 questions एक साथ आते हैं, बंच में आते हैं, तो आपको ये सब चीजें दिमाग में याद होनी चाहिए। बस इतना सा था हमारा सॉल्ट। तो पार्ट वन में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई वो, और जो ये मैंने सॉल्ट का कलर बताया कैसे कैसे वैरी करता है, ये इतना आप रखो इस बात की, मैं आज गारंटी लेता हूं जेई के सारे प्रॉब्लम होंगे। अब कुछ फेमस गैसेस हम देख लेते हैं, बस लास्ट टॉपिक, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स पे आ जाओगे। देखो अब हमारे पास आता है सम फेमस गैसेस। देखो सबसे पहला गैस है कि कौन सी ऐसी गैस है जो लाइम वाटर में एब्सॉर्ब होती है, लाइम वाटर में एब्सॉर्ब होती है और जो टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी देती है, मतलब लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, मतलब टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी ऐसी गैस है? तो दो गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है, एक है CO2 और एक है SO2। आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे CO2 SO2। यस, फर्क इतना है कि CO2 टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए ही वाइट टर्बिडिटी देता है, मिल्की वाइट टर्बिडिटी देता है, टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए, और SO2 आपका परमानेंट वाइट टर्बिडिटी देगा, परमानेंट मिल्की वाइट कलर कर देगा किसको? लाइम वाटर को। दोनों में ये एक फर्क है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सॉल्यूशन है, एक गैस है जो कि मिल्की लाइम वाटर के अंदर जाके उसका कलर मिल्की वाइट कर देता है टेम्पररी, आप समझ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो परमानेंटली कर देता है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर आपको मान लो थोड़ा और इसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो मैं एक और आइडिया आपको देता हूं। अगर इस गैस को K2Cr2O7 के अंदर डालोगे, और K2Cr2O7 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज।
ऑरेंज कलर सॉल्यूशन है, और तो क्या होगा, तो इस सिचुएशन में इस CO2 जब K2Cr2O7 के अंदर जाएगा तो वो नो कलर चेंज, किसी भी कलर में चेंजिंग नहीं आएगा, वो ऑरेंज ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको K2Cr2O7 के अंदर डाल दोगे तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्रोमियम आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब ये चला जाएगा Cr3+ में और इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि वो कौन सी ऐसी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। डिफरेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की वाइट टेम्पररी बनाती है, कुछ टाइम के लिए बनाती है, धीरे धीरे वाइट टर्बिडिटी खत्म हो जाती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड लाइम वाटर को परमानेंटली मिल्की बना देता है। एक और डिफरेंस है कि CO2 K2Cr2O7 के अंदर जाती है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन SO2 जब K2Cr2O7 के अंदर जाती है तो वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। दैट्स ऑल। तो ये था आपका CO2 और SO2 के बारे में, ये भी आप याद रखे रहेंगे, अभी अभी हम पैसेज करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, जिस गैस के बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है, ये गैस है हमारा अमोनिया। चलिए सेकेंड गैस पे आते हैं, अमोनिया। अमोनिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको पता है NH3, तो इसमें पैसेज कैसे आएगा कि कौन सी ऐसी गैस है जो वाटर में एब्सॉर्ब होती है, एब्सॉर्ब इन वाटर, तो आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया वाटर में एब्सॉर्ब होती है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ये रेड लिटमस को क्या कर देती है, R2B ब्लू कर देती है। तीसरा, गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विथ HCl, ये HCl के कॉन्टैक्ट में आती है और व्हाइट फ्यूम्स देती है, NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl एंड दिस इज व्हाइट फ्यूम्स, अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम्स देती है। तो आप समझ जाना वो गैस आपका अमोनिया ही होगा। चलिए थर्ड की तरफ आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में, कि कौन सी ऐसी गैस है जो पाइरोगैलोल में एब्सॉर्ब होती है। तो एक ही ऐसी गैस है इस पूरे यूनिवर्स में जो पाइरोगैलोल में एब्सॉर्ब होती है और वो है आपका ऑक्सीजन। तो याद रखेंगे ये हमारा पाइरोगैलोल है, 1, 2, N3 पोजीशन पे, 1, 2, 3 ट्राहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं पाइरोगैलोल, एक ट्राहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन O2 गैस एब्सॉर्ब हो जाती है। दैट्स ऑल, ये भी बात आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। यस, फोर्थ पे आइए, अगर आपको बोला जाए H2O गैस वेपर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो हमने अमोनिया देख लिया, हमने बहुत सारी गैसेस देखी, बट आपने ये सोचा नहीं कि वाटर को भी कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई भी गैस वेपर वाटर ही है। मैं इसका आइडिया आपको बताता हूं, क्या ट्रिक इसका क्या है। अ न्यूट्रल गैस विच कंडेंस्ड एट रूम टेम्परेचर, एक ऐसी गैस है ये, एक नेचुरल गैस है जो कि रूम टेम्परेचर पे कंडेंस्ड हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखा, जैसे ही मैंने न्यूट्रल गैस बोला, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, NO गैस भी हो सकता है, N2O गैस भी हो सकता है, यस हो सकता है, दे ऑल आर न्यूट्रल, बट थिंग इज दैट दे कैन नॉट बी कंडेंस्ड एट रूम टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, बट वॉटर इज द ओनली सिंगल गैस, वाटर वेपर इज द ओनली सिंगल गैस विच कैन ईजिली कंडेंस्ड इन टू लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड इट्स ऑल्सो अ न्यूट्रल स्पेसीज, इज ऑल्सो अ न्यूट्रल कॉम्पाउंड। बात समझ में आ गई। दूसरा टेस्ट है कि अगर आप इसको एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट पे डालोगे इस गैस को, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बना लेगा और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। तो H2O गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, H2O गैस आपका एक न्यूट्रल गैस होगा, वाटर वेपर एक न्यूट्रल गैस है जो कि रूम टेम्परेचर पे कंडेंस्ड हो जाती है लिक्विड में, और ये
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के कॉन्टैक्ट में आके वो जो इनिशियली कलरलेस या व्हाइट होता है उसको ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स ऑल, बस ये था। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा ओजोन। ओजोन आपको पता है ओजोन O3 इसका फॉर्मूला होता है, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे को जितनी भी चीजें मैंने बताई इन सबसे पैसेज आता है, ओजोन से भी काफी पैसेज आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स में। तो ओजोन एक ऐसी गैस है जो टर्पेंटाइन ऑयल में एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, एब्सॉर्ब्स इन टर्पेंटाइन ऑयल, ये टर्पेंटाइन ऑयल में एब्सॉर्ब हो जाती है। और दूसरा लाइन जो पैसेज में आएगा डिट्टो ऐसा ही लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, कौन सी ऐसी गैस है जो KOH में एब्सॉर्ब होके एक येलो ऑरेंज लिक्विड देती है और वो है ओजोन। और ये क्या बनाती है, पोटेशियम ओजोनाइड। तो ओजोन के बारे में क्या हो गया, ये टर्पेंटाइन ऑयल में ऑब्जॉर्ब होगा। अगर आपको पैसेज में लिखा हुआ है कि अ गैस विच एब्सॉर्ब्स इन टर्पेंटाइन ऑयल तो आप समझ जाएंगे वो ओजोन है। ये आपको लिखा हुआ है गैस विच एब्सॉर्ब विच व्हेन एब्सॉर्ब इन KOH इट गिव्स अ येलो ऑरेंज लिक्विड, तो समझ जाना वो O3 है, क्योंकि पोटेशियम ओजोनाइड कैसा होता है, ये होता है येलो ऑरेंज कलर का लिक्विड। बात समझ में आ गई, तो हमने ओजोन को भी देख लिया। देखो ओजोन से रिलेटेड मैं एक और छोटा सा टॉपिक लेना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जो मैं अभी आपको बता दूं। अगर आप मान लो ये आपका एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने मर्क्यूरी को रख दिया है, तो आपको पता है कि मर्क्यूरी का कैसा होता है, मर्क्यूरी का जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ये इसके अंदर अगर मर्क्यूरी है तो ये क्या होगा, HG अगर इसके अंदर हमने डाल दिया तो ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है, मतलब ये सरफेस में चिपकता नहीं है, मतलब यहां पर कोहेसिव फोर्स काम करता है, एडहेसिव फोर्स काम नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो मैं एक ग्लास में, एक कंटेनर में मान लो मैं मर्क्यूरी ले जा रहा हूं और वो कंटेनर अगर किसी रीजन से टूट जाए तो मर्क्यूरी के ढेर सारे ड्रॉपलेट्स चारों तरफ फैल जाएंगे, आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उन ड्रॉप में, उनके ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, आपस में चिपकने की टेंडेंसी नहीं होती है, एडहेसिव फोर्स नहीं होता है। तो अगर आप ओजोन को ले जा रहे हो किसी कंटेनर में और मान लो कि ट्रेन में ले जा रहे हो, गुड ट्रेन आपके पास है, आप ले जा रहे हो और किसी रीजन से मान लो वो फट जाए, एक्सप्लोड कर जाए, या किसी भी रीजन से मर्क्यूरी बाहर आ गया, तो आप उसको बैक एक जगह नहीं रख सकते हो, तो क्या होगा, मर्क्यूरी काफी पॉइजनस एलिमेंट होता है, तो इससे पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए इसके अंदर ओजोन मिला देते हैं। तो जब मर्क्यूरी के अंदर आप ओजोन को डाल दोगे तो इसका मेनिस्कस चेंज हो जाता है और अब ये हो जाता है कैसा, अब ये हो जाता है कनकेव, अब इसका मेनिस्कस हो जाता है कनकेव। और अब इसके अंदर क्या होती है, जो कोहेसिव प्रॉपर्टी थी ना चिपकने की प्रॉपर्टी, वो खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब ओजोन आपका समहाउ वैसा ही काम करेगा जैसे कि सारे के सारे इसके ड्रॉपलेट्स एक जगह आ सकते हैं इजिली। इसको बोला जाता है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। चूंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने कई बार देखा है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT का जो एग्जाम होता है, बिट सेट के जो एग्जाम होते हैं, वहां पे आया हुआ है कि कौन सी ऐसी पैसेज में था कि गैस है, बहुत सारे उसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए थे और बोला गया था ये गैस जो है ये आपका टर्पेंटाइन ऑयल में एब्सॉर्ब होता है और ये टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी में काम आता है। तो याद रखेंगे टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी का मतलब होता है जब आपने मेनिस्कस को कॉन्वेक्स से कॉनकेव बना दिया, मतलब जब आपने कोहेसिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, तो इसको बोला जाता है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी और ये ओजोन ये काम करती है। लास्ट एक गैस पे आएंगे, हमारा ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश्ड हो जाएगा। लास्ट एक गैस पे आते हैं, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा बट ट्रस्ट मी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट हमारे पास एक गैस है क्रोमाइल क्लोराइड गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे बहुत सारे पैसेज पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है आपका CrO2Cl2, ये एक रेडिस ब्राउन या रेड ब्राउन गैस है, ये एक रेड ब्राउन गैस है, ठीक है, रेड ब्राउन गैस है। और इसकी खास बात क्या है, ये रेड ब्राउन गैस, अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक रेड ब्राउन गैस है जो कि पोटेशियम
डाइक्रोमेट के अंदर K2Cr2O7 के अंदर एब्सॉर्ब होती है। तो क्रोमाइल क्लोराइड को जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर डालोगे तो ये एब्सॉर्ब हो जाएगा और K2Cr2O7। तो हमारे पास जो ये गैस थी क्रोमाइल क्लोराइड, ये कैसी गैस है? पीरेट ब्राउन गैस है। और अगर आप इसको KOH के अंदर या K2Cr2O7 के अंदर डालोगे तो ये एब्सॉर्ब हो जाएगी और पहले येलो कलर का सॉल्यूशन देगी। और ये येलो सॉल्यूशन क्या होगा? K2CrO4। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट, ये पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा, एक येलो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आएगा। अगर आप इसके अंदर Pb2+ का कोई सॉल्ट दे दोगे तो ये बना लेगा PbCrO4, लेड क्रोमेट। और इसका कैसा आता है? येलो PPT आएगा। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि क्रोमाइल क्लोराइड एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है जो KOH में या K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 बहुत कम जगह यूज होता है, K2Cr2O7 में ये एब्जॉर्ब होती है, बट आप इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क में इग्नोर लेके चलो क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाएगा। बट KOH में ये बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगी और ये सॉल्यूशन को, क्योंकि K2Cr2O7 का पहले से कलर होता है बट KOH आपके पास कोई कलर नहीं होता है इसका, तो अगर आप इसको इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिक पूरा सॉल्यूशन येलो हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर ये टेस्ट होगा। तो एक येलो कलर का सॉल्यूशन देगा, येलो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, और अगर आप उसके अंदर Pb2+ डाल दोगे तो वो येलो PPT में कन्वर्ट हो जाएगा। बस लास्ट एक मिनट एक पॉइंट और आप देख लीजिए क्या कि कौन से ऐसे गैस हैं जो ब्राउन होंगे। तो ब्राउन गैस में आपने रेड ब्राउन तो ये देखा, इसका टेस्ट मैंने पूरा बता दिया। आपके पास NO2 और Br2, ये दो ऐसे गैस है, ब्राउन हालांकि लिक्विड होता है बट अगर आप इसको हीट करके गैस में कन्वर्ट कर पाओ तो ये दोनों ब्राउन होते हैं। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा? NO2 इसमें से ऐसा गैस है जिसमें अगर आप FeSO4 फ्रेश प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ करवाओगे तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट देगा। ब्राउन रिंग टेस्ट आप सबको पता होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट देगा। बट अगर Br2 को FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो नो ब्राउन रिंग टेस्ट, नो ब्राउन रिंग टेस्ट, कोई भी ब्राउन रिंग टेस्ट आपके पास नहीं आने जा रहा है। अब एक बात और आप जान लीजिए कि एक गैस ऐसी आपके पास NO एक ऐसी गैस है जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, बट ये क्या होती है? ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती है। बात समझ में आ गई? और यहाँ ओजोन में एक बात आप और ध्यान में रखेंगे कि ओजोन को जब आप कंडेंस्ड करोगे, ठंडा करोगे, इसको काफ़ी कूल करोगे तो ये एक पेल ब्लू लिक्विड देगा, ब्लू लिक्विड देगा। बस आप इतनी सी बात को याद रखेंगे, बस दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? ये हमारा टॉपिक हो गया। चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेक्शन। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा डिफरेंट काइंड के मेटल्स को हीट करने पे कैसा कलर आएगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट कोडिंग्स बता दिए, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको आपने नोटबुक में लिख लिया होगा, आप उसको बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। फिर हमने ये देखा था कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हीट, जिनको हीट करने पे क्रैकिंग साउंड देता है, कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं, कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो कि ब्राउन कलर गैस देंगे, नाइट्रेट वाले सॉल्ट, डिफरेंट चीज़ हमने देखी। फिर हमने सॉल्ट्स को हीट किया, उनके कलर को चेंज करते हुए देखा, वाइट, येलो, है ना, रेड, ब्राउन, येलो, ये सब चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आप आ गए थे गैसेस पे, हमने CO2 देखा, SO2 देखा, हमने O3 देखा, हमने H2O देखा, हमने अमोनिया देखा, हमने ओजोन देखा, हमने NO2 देखा, हमने Br2 देखा, हमने क्रोमाइल क्लोराइड देखा, हमने बहुत सारी गैसेस देखी, NO देखा, इन सब गैसेस को देख लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉब्लम्स। चलिए अगर आप प्रॉब्लम्स कर पाओगे या अगर आप प्रॉब्लम्स कर पा रहे हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो ये दो लेक्चर्स बना के जितनी मेहनत की है ये सफल हो गई, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए और अब हम प्रॉब्लम्स पार्ट पे आते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स पार्ट को स्टार्ट करने में मैं आपको ये बोलूँगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट लाइक ये वैसा ही है कि आपने पूरे साल एग्जाम की तैयारी की और अब आपके पास पेपर मिलने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको हम पेपर दे देते हैं। बोला गया है कि फाइंड ABC and D and E, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड ABCDE, ABCD और E को फाइंड करना है। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है A को हीट करोगे आप, B बनेगा प्लस C बनेगा प्लस D बनेगा, अगेन अगर आप B को हीट करोगे तो ये E देगा
प्लस सी देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ बी सी एंड डी आर मिक्सड देन ए इज फॉर्म्ड। इफ क्या क्या डेटा है आपके पास, इफ बी सी एंड डी आर मिक्सड ए इज फॉर्म्ड, ए इज फॉर्म्ड, ए फिर से फॉर्म्ड हो जाता है। और आपको बोला गया है सी गिब्स लाइम वाटर मिल्की टेम्पररी, सी जो है दूसरा इंफॉर्मेशन है, सी गिब्स लाइम वाटर, लाइम वाटर मिल्की, और ये कैसा टेम्पररी, परमानेंट नहीं दे रहा है, टेम्पररी दे रहा है। और आपको बोल रहा है तीसरा इंफॉर्मेशन है कि ई ऑन हीटिंग, ई ऑन हीटिंग गिब्स क्रिमशन रेड कलर। बस अब आप बताओ ए बी सी डी और ई क्या है। डेटा आपको दिया गया है कि बी और सी और डी को मिक्स करेंगे तो ए फॉर्म होगा और सी लाइम लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो हमें समझ में आ चुका है कि सी हमारे पास गैस है, ठीक है। और गैस क्या, कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को टेम्पररी मिल्की करती है, मतलब ये CO2 गैस होगी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि ई को हीट करने पे क्रिमसन रेड कलर आता है। ई को हीट करोगे, ई को अगर आप हीट करोगे तो क्रिमसन रेड कलर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने बी सी और डी बनाया है, ठीक है, और क्रिमसन रेड आ रहा है, तो क्रिमसन रेड बेसिकली स्ट्रॉन्शियम का होता है और लिथियम का होता है, बट लिथियम के सॉल्ट जल्दी डिकम्पोज नहीं होंगे फर्स्ट ए ग्रुप के, तो हम स्ट्रॉन्शियम लेके चलेंगे। तो अगर मान लो ए आपका स्ट्रॉन्शियम बाइकार्बोनेट था, तो स्ट्रॉन्शियम बाइकार्बोनेट टूट के क्या बनाया होगा, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, और बनाया होगा CO2 और इसने बनाया होगा H2O। अब स्ट्रॉन्शियम बाइकार्बोनेट को आपने अगेन हीट किया तो ये क्या बना लेगा, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड। ई हो गया आपका स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और सी फिर से CO2 हो गया, ये CO2। हमारे पास ए क्या निकल गया, ए निकल गया स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम बाइकार्बोनेट, बी निकल गया स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, सी निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, डी निकल गया वाटर, ई निकल गया स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपने कितने कॉन्सेप्ट लगाए, एक तो कॉन्सेप्ट लगाया आपने हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट वाला, जो मैंने जो पार्ट वन लेक्चर में बोला था, बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और मैंने ये भी बोला था कि उनको मिक्स कर दोगे तो फिर से बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो पहला इन्फॉर्मेशन वहां से आया। दूसरा क्या है कि ये लाइम वाटर को मिल्की टेम्पररी बनाता है, आज ही मैंने इसी लेक्चर में मैंने बोला है वो CO2 गैस होती है और हीट करने पे क्रिमसन रेड देता है, और क्रिमसन रेड कौन देता था, स्ट्रॉन्शियम और लिथियम। लिथियम बाइकार्बोनेट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इजीली डिसोसिएट नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया है। तो आंसर इज योर स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, बात समझ में आ गई होगी। फिर इन्होंने सेकेंड क्वेश्चन लिया है, इसमें इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट ऑल द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। आपके पास एक्स कोई एक सॉल्ट है जिसको हीट किया है इन्होंने और इन्होंने इसको बनाया है बी प्लस सी, और फिर बोला है कि ये जो बी प्लस सी है, सी को अगर आप लाइम वाटर में डालोगे, लाइम वाटर में डालोगे तो मिल्की हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, ओके। और मिल्की होता है और यहाँ पर भी इन्होंने दिया है टेम्पररी, ये मिल्की होता है। और इन्होंने बोला है कि अगर आप बी को हीट करोगे तो ये क्या देगा, एप्पल ग्रीन कलर देगा, एप्पल ग्रीन कलर देगा। तो अब बताओ एप्पल ग्रीन कलर देगा तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि ये मेटल एक ही ऐसा मेटल है जो एप्पल ग्रीन देता है और वो है हमारा बेरियम। अब बोल रहा है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है टेम्पररी, मतलब ये हमारे पास CO2 है, ये एप्पल ग्रीन दे रहा है मतलब ये बेरियम का कोई कंपाउंड होगा, लेट्स से बेरियम ऑक्साइड। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट। तो बेरियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, दैट्स ऑल सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। और ये एप्पल ग्रीन हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड हीट होने पर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कितने सिंपल तरीके से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो मैंने इकट्ठे किए एक जगह, और उम्मीद अब कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड आउट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, इसको आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, इस वीडियो को रोक लीजिए आप और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। बोला है कि ए को हीट किया गया, बनाया बी प्लस सी
प्लस डी, ठीक है। फिर बोला गया है ये जो बी जो है आपका डार्क ब्राउन है, डार्क डार्क ब्राउन है, बी जो आपका है वो डार्क ब्राउन कलर का है, और सी आपका गैस है और डी भी आपका गैस है। फिर बोला गया है कि सी को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो तो डी बन जाता है, ठीक है, और सी जो है ये आपका K2 Cr2O7 को ग्रीन कर देता है, तो बताओ ए बी सी डी क्या है। चलिए, तो पहली बात जो मुझे देख के समझ में आ रही है कि डार्क ब्राउन कलर बेसिकली आयरन के कॉम्पाउंड्स का होता है, तो हो ना हो ये कोई आयरन का कॉम्पाउंड है। और दूसरी बात, ये दो गैस निकल रहे हैं और इन दोनों गैस में क्या है, एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ऑक्सीजन का। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, अब देखो सी तो SO3 हो नहीं सकता या CO2 हो नहीं सकता, क्योंकि सी अगर मान लो ये CO होगा और ये CO2 होगा, सपोज मान लो कि सी अगर हमारा CO हो तो ऑक्सीडेशन कर दोगे तो CO2 होगा, तो CO और CO2 हो नहीं सकता क्योंकि CO जो है वो K2Cr2O7 को ग्रीन नहीं करेगा, यस नहीं करेगा। तो क्या हो सकता है, तो यहां पे आ जाओ, सी आपका K2Cr2O7 को ग्रीन कर देता है, और आपको याद होगा मैंने बताया था कौन सा गैस था, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस K2Cr2O7 को ग्रीन कर देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो सी आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, डी हो गया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब याद कीजिए कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिसोसिएट होके दो गैसेस देता है, दो एसिडिक गैसेस, याद आया। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना है तो आपके दिमाग में एक सेकंड में आंसर आएगा, वो है फेरस सल्फेट। मैंने आपको बताया था फेरस सल्फेट सिंगल एक ऐसा सल्फेट है जो टूट के दो एसिडिक गैसेस देता है, SO2 और SO3 गैसेस। तो ए हमारा जो हो गया वो हो गया फेरस सल्फेट, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो ये बनाएगा Fe2O3 और बनाएगा SO2 और बनाएगा SO3। बेसिकली होता क्या है कि SO2 प्लस O2 बनता है, जहां ये Fe2O3 कैटलिस्ट के जैसा काम कर देता है, तो कुछ SO2 SO3 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मैंने पार्ट वन में बहुत डिटेल से बताया। तो Fe2O3 आपका कैसा होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये Fe3 प्लस है, और मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है कि क्या होता है, क्या बोला था मैंने, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन गाय, फेरिक ब्राउन फेरिक ब्राउन फेरिक ब्राउन, तो दिस इज फेरिक एंड दिस कलर इज ब्राउन। देखो जो मैंने बताया है वो सब यूज होंगे यहाँ पे, फेरिक ब्राउन। फिर मैंने आपको ये बताया था कि SO2 जो होता है, SO2 K2Cr2O7 में ग्रीन देता है, क्योंकि K2Cr2O7 प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, और ये उसको प्लस 3 में ला देता है, तो कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। दैट्स ऑल, बन गया प्रॉब्लम आपका। फिर इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, बोला है कि ए बी सी डी बताइए आप यहाँ पे क्या होगा, ए को हीट करने पे बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है, और बोल रहा है कि बी को अगर आप हीट करोगे तो मिलेगा मेटल प्लस डी, बढ़िया है। फिर बोल रहा है सी को अगर FeSO4 में आप डाल दोगे तो ये देगा ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत बढ़िया, ब्राउन रिंग टेस्ट देगा, और डी जो है डी एब्सॉर्ब इन कहां, पाइरोगैलॉल में ये एब्सॉर्ब हो जाता है। तो चलो हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि डी हमारा सिवाय ऑक्सीजन के और कुछ नहीं हो सकता, तो डी हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, डी को हीट करने पे मेटल डी नहीं, अच्छा एक लाइन और इन्होंने दिया है कि मेटल इज यूज्ड इन बैरोमीटर, लो चलो हमारा काम आसान हो गया, मेटल इज यूज्ड इन बैरोमीटर। अब आपको पता है बैरोमीटर में क्या यूज होता है, मर्क्यूरी, तो ये जो मेटल है हमारा मर्क्यूरी है, और हमारा डी निकल चुका है ऑक्सीजन, तो ये हमारा ऑक्सीजन है। अब ये मर्क्यूरी और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो हमारे पास बी क्या निकल जाएगा, ऑब्वियसली बात है HgO निकल जाएगा, तो बी हमारे पास क्या है, HgO, यस। और हमारे पास सी क्या है, बोल रहा है सी जो है वो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट कौन कौन दे सकता है, NO2 दे सकता है, और कौन दे सकता है, Br2 दे सकता है, सॉरी Br2 नहीं, NO2 दे सकता है और NO दे सकता है। अब हमें कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं पता है जिसमें NO गैस ऑक्सीजन के साथ रिलीज होती है, ऐसे बहुत कम रिएक्शन है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मुझे नहीं पता है कि कोई भी ऐसी गैस है, कोई भी ऐसा सॉल्ट है जिसको हीट करने पर NO गैस निकलती हो, नॉर्मली तो NO2 गैस निकलेगी,
तो ये NO2 हो गया, तो C हमारा हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो HGO, NO2 और O2 इन तीनों को मिलाओ तो A क्या होगा, A होगा HgNO3 का होल ट्वाइस, मर्क्यूरिक नाइट्रेट। तो बेसिकली क्या है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट था, आपने इसको हीट किया, मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाया, NO2 गैस दिया, ऑक्सीजन दिया, ये NO2 गैस ब्राउनिंग टेस्ट में यूज हो रही है, और HGO को आपने हीट किया तो ये मेटल दे देगा, क्योंकि आपको पता है, याद आया कुछ मैंने क्या बोला था, हापा 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 के किसी भी कंपाउंड को हीट करोगे वो मेटल देगा, तो Hg हापा का ऑक्साइड है, इसको हीट कर दिया तो ये मेटल दे दिया और ऑक्सीजन गैस दिया। देखो कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा हूं जो मैंने नहीं बताया, हर एक चीज वहीं से आ रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैंने जितनी भी चीज बताई आप उसको ईमानदारी के साथ कर लो, 100% गारंटी है इस बात की, कैसा भी प्रॉब्लम आएगा हीटिंग ऑफ सॉल्ट से, थर्मल स्टेबिलिटी से, आप इजिली कर दोगे। हो गया ABCD हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन्होंने बोला है कि फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शंस इन द रिएक्शंस गिवन। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है कि ए एक सॉल्ट है जिसको हीट आपने किया है, तो ये दिया बी प्लस सी प्लस डी। फिर इन्होंने बोला है कि इस डी को कॉपर सल्फेट के में मिक्स करने पे ये ब्लू कर देता है, कॉपर सल्फेट को एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट में ये ब्लू कर देता है। और फिर बोला गया है CO2 को लाइम वाटर में डालने पे वो उसको मिल्की बना देता है। और ये मिल्की कैसा बना देता है, लिखा हुआ है अंडर ब्रैकेट नॉट परमानेंट, बहुत अच्छा, नॉट परमानेंट मतलब टेम्प्रोरी ये मिल्की बना देता है। और फिर इन्होंने बोला है कि बी को अगर आप हीट करोगे तो गोल्डन येल्लो आएगा। और ये लिखा है इन्होंने, ये गैस नहीं है, नॉट अ गैस, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आप बताओ कि कौन सा ऐसा गैस तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है कि कुछ कंपाउंड होगा जो गोल्डन येलो देता है, याद है सोडियम सोना। चलिए तो ये कोई सोडियम का कंपाउंड है। अब बोल रहा है कि सी जो है लाइम वाटर को मिल्की बना दे रहा है टेम्पररी, तो ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा काम कर सकता है। और डी को जब एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो वो उसको ब्लू कर देता है, तो मतलब क्या होगा, याद आया आज ही मैंने बताया आपको, वाटर H2O वेपर एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर देते हैं। तो डी हो गया आपका क्या, H2O, तो डी हो गया आपका वाटर, सी हो गया आपका CO2, और आपका बी कैसा कलर दे रहा है, बी दे रहा है आपको गोल्डन येलो कलर। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा सोडियम कार्बोनेट होगा, थोड़ी देर के लिए मान के देखो, Na2CO3, CO2 और H2O, तो ये हमारा सोडियम बाय कार्बोनेट ही होगा। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट ही हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड तो होगा नहीं क्योंकि कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं, मैंने आपको बताया। सल्फेट भी होगा नहीं क्योंकि अगर सल्फेट होता तो CO2 गैस नहीं निकलता, तो ऑब्वियसली ये सोडियम कार्बोनेट ही है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, बाय कार्बोनेट को हीट किया, कार्बोनेट फॉर्म हुआ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ, H2O वेपर ने एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में एब्जॉर्ब होके इसने मिल्की कलर दिया है जो कि परमानेंट नहीं था, CO2 था, और बी को हीट करने पे गोल्डन येलो आ रहा था, सोडियम सोना, दैट इज सोडियम बाइकार्बोन, दैट्स ऑल। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए इसको तो ऐसे ही हम डिस्कस कर लेंगे। बोला गया है कि ए सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स नो रेसिड्यू देन द सॉल्ट इज, बोल रहा है कि एक सॉल्ट है जो हीट करने पे कोई भी रेसिड्यू नहीं देता है, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ता है, तो वो सॉल्ट क्या हो सकता है, याद आया अमोनियम सॉल्ट, सर अमोनियम सॉल्ट। अच्छा देखो, अगर अमोनियम सॉल्ट है तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने बोला है पहला फर्स्ट ऑप्शन अमोनियम नाइट्रेट, ओके, सेकेंड ऑप्शन अमोनियम डाइक्रोमेट, थर्ड ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ ऑप्शन Ag2CO3। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो हीट करने पे रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दो ये बनाएगा N2O प्लस H2O, सबके सब गैस हैं, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो, मैंने बताया था
ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, Cr2O3 बनाएगा और H2O बनाएगा। तो यहाँ पे ये ग्रीन रेसिड्यू बनाएगा, ग्रीन रेसिड्यू। तो ये रेसिड्यू छोड़ेगा, यहाँ पे रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये तो गैस है, जैसे ये गैस थी, ये गैस थी, ये रेसिड्यू था, ये भी गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड का रेसिड्यू रह जाएगा। सिल्वर कार्बोनेट को हीट करो, पहले बनाएगा Ag2O फिर CO2, चूंकि ये हापा का कंपाउंड है, फिर से ये हीट करोगे, बना लेगा सिल्वर और बना लेगा ऑक्सीजन। तो इसमें भी रेसिड्यू आया, इसमें भी रेसिड्यू आया, इसमें भी रेसिड्यू आया, इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज अमोनियम नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ बात? यस। तो ये जो सॉल्ट्स हैं, इसमें रेसिड्यू किसमें रहेगा, इसमें Cr2O3 का ग्रीन रेसिड्यू रहेगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का व्हाइट रेसिड्यू रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड का यहाँ पर सिल्वर कलर का सिल्वर रह जाएगा आपके पास, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन्होंने बोला है एक्स ऑन रिएक्शन विद अ बेस गिव्स अ गैस, एक्स ऑन रिएक्शन विद अ बेस गिव्स अ गैस एंड दिस गैस गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विद HCl देन एक्स मे बी। एक्स आपका कोई कंपाउंड है जो बेस से रिएक्ट करता है, चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेस हमारा KOH है, इससे रिएक्ट करता है और ये क्या करता है, गैस एंड दिस गैस गिव्स व्हाइट, एक्स ऑन रिएक्शन विद द बेस गिव्स ए गैस, चलो ये कुछ बनाता है, मान लो वाई बनाता हो या कुछ और बनाता हो और गैस एक दे रहा है, और ये गैस HCl के साथ रिएक्शन करके वाइट फ्यूम्स दे रही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये गैस हमारा अमोनिया होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शंस आ जाइए, आपका सॉल्ट क्या क्या है, NH4NO2, सेकेंड NaNO2, थर्ड CaNO3 का होल ट्वाइस एंड फोर्थ सोडियम सल्फेट। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको बेस के साथ हीट करोगे आप तो अमोनिया गैस रिलीज होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है ये NH4NO2 होगा, क्योंकि ये तो अमोनिया देने नहीं जा रहा, इस ये तो बेस से बेसिकली रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी नहीं। यस आंसर इज NH4NO2। चलो चेक करके देखते हैं KOH के साथ, ठीक है, ये बनाएगा NH4OH प्लस बनाएगा KNO2 और NH4OH अगेन हीट करके बनाएगा NH3 प्लस H2O। यस 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 यस, हमारा आंसर आ गया, और NH3HCl के साथ NH4Cl का वाइट फ्यूम्स बनाएगा। सो आवर आंसर इज NH4NO2, क्योंकि हमें सिंपल देख के ही लग रहा है यही एक ऐसी गैस है जो कि अमोनिया आपको देगी। चलिए अब हम लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। बोल रहा है कि बताओ इनमें से इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है Na2CO3, MgCO3 और है हमारे पास Al2CO3 का होल ट्वाइस, ऑब्वियस होल थ्राइस, ऑब्वियस सी बात है, फजांस रूल काम करेगा, इसका रेडियस सबसे छोटा है और इसका चार्ज मैक्सिमम है, तो पोलराइजेशन मैक्सिमम होगी, कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा और आयोनिक कैरेक्टर मिनिमम होगा, तो सबसे लेस थर्मल स्टेबल ये होगा, देन आफ्टर ये होगा और सबसे ज़्यादा ये होगा। तो हमने बहुत आसानी से सारे प्रॉब्लम्स कर लिए और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो था फाइनली आज पार्ट टू में फिनिश्ड हो गया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, बस आपको आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, उस चीज़ को समझा है, तो आप कैसे भी प्रॉब्लम्स कर लोगे। तो आज मैंने जितने भी ट्रिक्स बताए हैं, चाहे वो ट्रिक्स सॉल्ट्स के थे, चाहे हीटिंग ऑफ मेटल्स के थे, या कुछ फेमस गैसेस थी, या जो प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की हीटिंग, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी थी और फजांस रूल था, मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। आप इनको अच्छे से देखो, समझो और कोशिश करो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, ढेर सारे प्रॉब्लम्स को बनाने के। ऐसा तो नहीं कि मैं आज ढेर प्रॉब्लम्स करवा पाया, बट मैंने कोशिश की कि सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लाया जा सके और मैंने वो काम किया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखोगे और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है, ठीक है, बहुत अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है
अच्छा लग रहा है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बेसिकली ये वीडियो लेक्चर हमने हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के लिए रखा है ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत ज़्यादा है, फुल लेक्चर नहीं मिल पाता है, उनको फुल लेक्चर्स मिल सके। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।